दो बाइक की आमने सामने टक्कर में दो की मौत, एक जख्मी, जख्मी की स्थिति बेहद नाजुक। जख्मी DMCH हुआ रेफर, सहरसा मधेपुर मुख्य मार्ग की घटना। सहरसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज शुक्रवार को सहरसा मधेपुरा मुख्य मार्ग स्थित बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के तीरी राइस मिल के समीप दो बाइक की आमने सामने टक्कर में दो बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से जख्मी मरीज को बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मधेपुरा जिले के परमानंदपुर निवासी जलेश्वर सादा के पुत्र 20 वर्षीय जयनंदन कुमार अपने चचेरे बहनोई मधेपुरा जिले के बोधमा गांव निवासी राधेश शर्मा के पुत्र अजय सादा के साथ छठ का प्रसाद लेकर बहनोई के साथ अपने घर परमानंदपुर जा रहा था। वहीं दुबी यही मिठाई मधेपुरा निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद रिजवान अपने बाइक से अकेले सहरसा से अपने पिता के लिए दवाई लेकर घर वापस जा रहा था। इसी बीच तीरी के समीप दोनों बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार जयनंदन कुमार और दूसरे बाइक पर सवार मोहम्मद रिजवान की मौत हो गई। वहीं जख्मी युवक की भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मधेपुरा से संतोष मंडल की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना हुआ है, मौत हुई है दोनों की, क्या कैसे दुर्घटना हुआ, क्या मामला है? मोहम्मद रिजवान अपने उसके पिताजी का तबीयत खराब था, वो सहरसा दवाई लेने गया था, दवाई लेकर के रिटर्न फिर सहरसा से दुबिया ही घर जा रहा था। उसी अवस्था में उधर से दो बाइक आ रहा था, वो आमने सामने टक्कर हो गई, उसमें दो आदमी की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। तो अभी आप लोग कहाँ हैं? सहरसा सदर अस्पताल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आजाद। दो बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हुई है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला है, कितने की मौत हुई है? दो बाइक के जैसे आमने सामने टक्कर हुई, तो दो का मौत हो गया है, एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अभी इलाज चल रहा है। ये घटना जो तीरी के पास हुआ है। कैसे घटना हुआ, कहाँ जा रहा था, क्या मामला है? जैसे दोनों जीजा और साला अपने वहाँ से बुधवा से आ रहे थे। साला जो था ना, वो अपने बहनों के पास गया था, बहन के पास प्रसाद देने के लिए, उसी क्रम में यहाँ तीरी के पास एक्सीडेंट हो गया। कितने लोगों की मौत हुई है? दो लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विद्यानंद कुमार ऋषिदेव।